क्योंकि अब अगले पैनल को इंट्रोड्यूस मैं कराऊंगी जो हमारे बीच यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे और उनसे बात होगी उत्तर प्रदेश के विकास की। सबसे पहला पैनल जो हमारे बीच मौजूद रहने वाला है मंच पर, उन सभी से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। संजीव कुंभर होंगे हमारे साथ। राजीव कुंभर जी, MLA हैं आप सहारनपुर नगर से, BJP से। आप प्लीज मंच पर आए, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका जी मीडिया पर। उमर अली खान होंगे MLA हैं आप बेहट विधानसभा क्षेत्र से, आप प्लीज मंच पर आए, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र नेम MLA हैं आप रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट से, आप भी प्लीज मंच पर आए, बहुत स्वागत है आप तीनों का। और रमेश चंद्र सर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर सर, आप प्लीज मंच पर आए। सबसे पहले स्वागत करेंगे इन खास मेहमानों का बुके भेज कर और उसके बाद पैनल की शुरुआत होगी, चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक अहम चेहरा है और जनता ने इन्हें चुना है, तो इनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ का विकास किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सियासत को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही यहाँ के लोगों के मन में जो सवाल है उनके जवाब भी तलाशने की यहाँ से इस मंच से कोशिश करेंगे। प्रदेश का नंबर वन चैनल ZUP उत्तराखंड इस वक्त सहारनपुर की धरती पर मौजूद है और आज सहारनपुर के विकास की बात होगी सहारनपुर की ही धरती से। आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे बीच मौजूद रहने के लिए। और अब मेरे सहयोगी JP को मैं मंच पर बुलाऊंगी जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही पवन सिंगर आप भी प्लीज मंच पर आए जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से बात करनी है उत्तर प्रदेश के विकास की और इसीलिए जरूरी है कि आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब यहाँ के जो खास लोग हैं जिन्हें आपने चुना है उन्हीं से जाना जाए। JP पवन, ओवर टू यू। माइक की आवाज थोड़ा क्लियर कर दीजिए भाई मंच तक। शुक्रिया आकांक्षा, नमस्ते। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की बात आज हो रही है सहारनपुर से। सहारनपुर की बात करें तो देखिए, सहारनपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि माँ शाकुंभरी की ये धरती है, यहाँ पावन पीठ है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम राजनीतिक पहलू की बात करें तो इस जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है और हाल ही में जब चुनाव हुए तो 5 BJP जीती और 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। हमारे बीच जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितना विकास उन्होंने अब तक किया, आगे की प्लानिंग क्या है और क्या क्या कार्यक्रम उनके हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि हम हर जिले में पहुंचे और मंच लगाकर आपके जुड़े जो मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधियों से सीधा सवाल करें। तो एक बार फिर मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। राजीव गुंबर जी हैं BJP MLA हैं सहारनपुर नगर से। उमर अली खान जी हैं SP विधायक के बेहट से। उमर अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र में है BJP MLA रामपुर मनिहारन से। सर, सबसे पहले राजीव गुंबर जी आपके से चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा। देखिए, सहारनपुर के लिए एक अपवाद होता है सहारनपुर नगर में, जिसका जो विधायक चुन जाता तो उसकी सरकार नहीं आती, लेकिन यहाँ इतिहास बदला, योगी सरकार भी आ गई और आप BJP का विधायक भी बन गया, ये कैसे हो गया चमत्कार? सर्वप्रथम तो मैं अपने जी नेटवर्क का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज विकास की बात सहारनपुर से प्रारंभ की और उस विकास की बात को प्रारंभ करते हुए हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। मैं अपनी ओर से आप सबका, पूरी जी न्यूज़ की टीम का, जी नेटवर्क की टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि एक बात हमेशा मानी जाती थी कि सहारनपुर से जो विधायक जीतेगा सरकार उनकी नहीं होगी, या सरकार जिसकी होगी विधायक उसका नहीं होगा। निश्चित रूप से हम इन अपवादों को, इन अफवाहों को, इन भ्रामक प्रचार का हमेशा खंडन करते रहे हैं। मैं आज से 5 साल पहले की बात कहूं, जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी संभाली तो एक चर्चा आई कि नोएडा कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, इस प्रकार की एक चर्चा थी। नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाते हैं वो कभी पुणे मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन अफवाहों पर विराम लगाते हुए लगातार एक बार नहीं, दसियों बार नोएडा जाकर उन अफवाहों पर विराम लगाया और आज हमारे मुख्यमंत्री पुणे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप सबके आशीर्वाद से आसीन हैं। ऐसे ही सहारनपुर के विषय में जब ये चर्चा आती थी, चुनाव में भी लोग एक चर्चा करते थे, तो मैं हमेशा से कहता आया था कि काम की पहचान होनी चाहिए, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आज उन भ्रामक प्रचार पर, उन अफवाहों पर विराम लगते हुए आज जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जनता ने योगी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया
जिसकी बदौलत आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और यहाँ भी मैं जीत पाया। राजीव कुमार जी, आपने जिक्र किया कि काम की पहचान होनी चाहिए, तो मैं काम ही ढूंढता आ रहा था इस शहर में। जब गुजरा तो जगह जगह सड़क पर गड्ढे, पूरा शहर खुदा पड़ा है, तो मैं ये देख रहा था कि राजीव कुमार जी ने कमान संभालने के बाद कुछ बदला है या पब्लिक ने सिर्फ चमत्कार करके उसको बदल दिया। बहुत कुछ सहारनपुर में बदला है और बहुत कुछ बदलने वाला है। देखिए, सड़क खुदेगी भी बनेगी भी, बनेगी तब जब सड़क खुदेगी। आज स्मार्ट सिटी का काम पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ चल रहा है। निश्चित रूप से कोरोना का एक ऐसा काल आया जिसने पूरे सहारनपुर में ही विकास की राह नहीं रोकी, पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर विकास की राह को रोकने का काम किया। उस कोरोना काल का एक दुष्परिणाम रहा कि जो विकास के कार्य तो काफी लंबित हो गए, जिसके कारण जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो सड़कों का निर्माण कार्य था वो लंबित हो गया। लेकिन बड़ी तेजी के साथ आज सहारनपुर विकास की ओर बढ़ रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज से 2 महीने बाद जब आप सहारनपुर में आएंगे, आपको एक बदला हुआ सहारनपुर, एक बदली हुई सड़कें और एक बदला हुआ शहर नजर आएगा।